हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो बरसात का मौसम शुरू हो गया है और देखिए आज सुबह सुबह ही कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो ये जो क्लिप है ये आज सुबह का ही है, तो बहुत ही ज़्यादा बारिश लगी हुई है। देखिए नालियाँ वगैरह सारी आ गई हैं और बहुत ही ज़्यादा पानी बह गया है। तो इस तरह की बारिश से नुकसान की भी बहुत ज़्यादा आशंका रहती है, तो इसलिए जहाँ भी रहें अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। आप सभी को पता है कि पिछले 2-3 दिन पहले, 4-5 दिन पहले धर्मशाला में बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी। तो वहाँ पर भी इसी तरह से पानी के बहाव से बहुत सारे घरों को नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोगों को भी नुकसान हुआ है। तो आप सभी को हमने दिखाया था अपने ब्लॉग में चिड़ियों का त्यौहार, तो कुछ लोगों को अभी पता भी नहीं था। तो फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि चिड़ियों का त्यौहार है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है हमारे हिमाचल में, और इस तरह के पकवान इनमें बनते हैं। इस त्यौहार में बहुत ही फेमस होता है ये त्यौहार, और घर में सभी बेटियाँ आती है और इस तरह से उनके लिए खास पकवान भी बनाए जाते हैं। तो शानु मृदुल सब लोग आए हुए थे, आप लोगों के साथ मैंने क्लिप्स शेयर किए थे, बाकी कुछ क्लिप्स रह गए थे तो सोचा कि उन आपके साथ शेयर कर लूं। तो इस तरह के भल्ले और कचौरियाँ बनाई हुई थी। कचौरियों को हमारे लैंग्वेज में बेड़ुआ भी बोलते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ये किस तरह से बनाए ये मैंने आपको पूरे के पूरे दिखाए हुए हैं अपने प्रीवियस ब्लॉग में, ये तो एक छोटी सी झलक है। तो ये आप लोग देख सकते हो, अभी तक भी देखिए जल रहे हैं जो भी हमारे पशुओं वगैरह में कीड़े मकोड़े होते हैं जिनसे पशु बीमार पड़ जाते हैं, तो उनको यहाँ पर जलाया गया है और अभी तक ये आग जल रही है इस तरह से। जैसे कि आप लोगों के सामने हमने बाहर दिखाया कि चिड़ियों का त्यौहार किस लिए मनाया जाता है, और आप लोगों के सामने जो भी कीटनाशक होते हैं जो हमारे पशुओं को नुकसानदायक होते हैं उनको जलाया, और इसीलिए ये त्यौहार मनाया जाता है और पशुओं के लिए ही पूजा पाठ की जाती है मेनली, और हमारे हिमाचल में काफ़ी फेमस है ये फेस्टिवल। तो बाहर तो जला लिया हमने कीटनाशक को और पूजा पाठ भी कर लिया, वो भी हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो इसके बाद अभी टाइम हो गया है डिनर करने का, तो सभी यहाँ पे डिनर को एंजॉय कर रहे हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि ढेर सारे पकवान, जैसे कि हमारे यहाँ हिमाचली कल्चर में ऐसा है कि ढेर सारे पकवान बनाए जाते हैं, और ये आप लोग देख सकते हो ये हमारे हिमाचल के बहुत ही प्रसिद्ध पकवान है। बेड़ुआ देख सकते हो आप यहाँ पे, और यहाँ पे खट्टा भी बना हुआ है, आजकल सीजन चला हुआ है आम का, और साथ में भल्ले हैं और भी बहुत कुछ है। दिस इज, तो अभी डिनर कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट बताएंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज हुई यहाँ पर हमारे घर में। सही सुन, ये क्या कर रहा है तू यहाँ पे? माल चोरी कर रहा हूँ। क्या क्या भर दिया, दिखा जा रहा थैले में, ये क्या क्या भरा अभी? अभी टूटी और एक दो ये दे दे। क्या टॉफी करके ये इतना सारा भर दिया तुमने? टॉफी टॉफी करके दे दे। चल, हमारा तो काम डाउन हो गया, हम के चैनल को मिठू, तू ऐसी चीजें खा रहा है फिर तेरे को उल्टियां होती हैं, मारूंगा। अच्छा, इतना सारा भर तो दिया तूने। बाबा डाटा, इसके पैसे मैं नहीं देने वाला, पास नहीं है। चल भाई पापा, ओ मिठू आ जाए, चलो ओए तली तू। बस इसको बंद कर दो डर से। मम्मा नहीं आई? मम्मा आगे रहती है, मम्मा ही तो रहेगी।
था आपने यार सवेरे सवेरे मॉर्निंग में चल पड़े। देखो 5:30 बजे हुए हैं अभी, देख सकते हैं आप। और आना है फिर पानी वो आना, व्हील खोलना पड़ता है फिर पूरा ऊपर। तो हमारे जीजू साहब बड़े ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, देख सकते हैं आप। देखिए सवेरे 5:30 बजे उठ गए, पता नहीं नींद भी आई इनको आज अपने घर की फिक्र में कि नहीं। नींद तो बड़ी बड़ी आई ना। मैंने कहा कि यार वो बंदे आने ना काम करने वाले हैं, अच्छा अच्छा, दंगे लगे आगे वो रास्ता नहीं उसको बना रहे हैं हम ना, अच्छा अच्छा। तो फिर आते नहीं बंदे, बड़े मुश्किल पकड़ के लाने पड़ते हैं उनको। कल वो आए नहीं थे, मैंने कहा अगर बारिश हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। नहीं नहीं, हाँ बरसात के टाइम में बड़ा जरूरी है जो काम कर रहे हैं ना अभी डंगे वगैरह का, काफी जरूरी है हो जाए तो। वही 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 तेरे तो मजे लग गए। क्या करेगा तू, शॉपिंग करेगा अब? हाँ शॉपिंग करूंगा। क्या करेगा? लॉकडाउन से लॉकडाउन को खरीद दूंगा फिर उसको बेच दूंगा। अच्छा तो डियर फ्रेंड देख लिया आपने शानू और मृदुल की चटपटी गपशप और इनकी नटखट भरी शरारतें। तो ये लोग जब भी आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं यहाँ पे अपने नाना नानी के घर में, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों को लस्सी लेके जानी थी लेकिन लस्सी नहीं थी, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना इनको दही ही दे दी जाए। तो सब लोग हो गए हैं रेडी और जा रहे हैं अपने अपने घर को। बेबी के साथ दोनों बच्चों की बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है क्योंकि दीदी हर बात इनकी मानते हैं और इनको बहुत ही ज़्यादा प्यार और दुलार भी करते हैं। तो ये तो चल दिए अपने घर क्योंकि उन लोगों को बहुत ज़रूरी काम है। इन लोगों ने कुछ घर बार का काम लगाया हुआ है तो वहाँ पे इनको बहुत ज़रूरी काम था। तो डियर फ्रेंड्स ये थे वो क्लिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। तो कैसा लगा आपको हमारा ये ब्लॉग आप लोग बताना ज़रूर और कमेंट भी करना और लाइक और शेयर भी करना। और जहाँ भी रहना सुरक्षित रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग में।